ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीकी है और सभी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने के प्रयास में लगी हुई हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे के कार्यकर्ता को तोड़कर अपनी पार्टी में जोड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन काशीपुर में कांग्रेस पार्टी आईसीयू में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रमुख वजह काशीपुर में कोई कांग्रेस को चलाने वाला स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। काशीपुर में ही कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद इस कदर हो चुका है कि उन्हें संभाल पाना कांग्रेस के लिए असंभव दिखाई दे रहा है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लगातार कांग्रेस हाल बदहाल होते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज माने जाने वाले नेता कार्यकर्ता कांग्रेस को अलविदा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। में हमारे खासतौर से हमारी जशपुर काशीपुर विधानसभा की बात करूं तो हमारे लोगों बड़ी मोहब्बत से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं आम आदमी में। आज आपने देख लिया होगा कि कितनी संख्या में लोग यहां पर आम आदमी पार्टी में आए हैं। तो हम गांव देहातों में जो देख रहे हैं तो लोगों का एक लगाव, लोगों की एक दिलचस्पी आम आदमी तरफ बढ़ रही है और बहुत जल्द ही आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा रुकनबा बढ़ेगा और इस प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, ऐसा मेरा मानना है। आजकल कांग्रेस को कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस में जो आज आपके शहर के लीडर हैं या ऊपर के जो नेता लोग हैं उन्हें सिर्फ चमचे पालने का शौक रहेगा। उनके लिए पार्टी कोई अहमियत नहीं रखती, सिर्फ उनकी चमचागिरी चाहिए और जो लोग उनकी चमचागिरी करते हैं उन्हीं लोगों को अहमियत दी जाती है। किसी मतलब है कि एक्टिव कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में कोई अहमियत नहीं दी जाती, छोड़ दी। और मुझे आम आदमी पार्टी की नीतियाँ, उनके कार्य अच्छे लगे और बाली जी एक अच्छे व्यक्ति हैं जो मैं उनके साथ काम करना चाहता हूं। और आगे भी मैं अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के लिए दिलो जान। यहाँ पर आज हमारे पूर्व सभासद रईस परवाना जी, जो कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने बहुत समय तक सेवा की बिना किसी लालच के निष्कपट, आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है। काफ़ी टाइम से उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा जताई थी। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस से त्यागपत्र देके आज उन्होंने इस प्रोग्राम को रखा और अपने साथ काफ़ी लोगों के साथ वो पार्टी में शामिल हुए। चुनाव लड़ने के लिए समझ सकते हैं कि जो आदमी मुख्यमंत्री को बुला सकता है उसे एक उस विधायक से जिन्हें 20 साल से मंत्री भी नहीं बनाया गया उनसे डर लगे। ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड।